कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी इख्तदार में आती है तो 5 साल की मुद्दत में कृषि नदी योजना के तहत किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। यहां एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक के किसानों के लिए हर साल 30,000 करोड़ रुपए मुख्तस करेगी और नारियल के किसानों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत देगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने खादों पर 5%, ट्रैक्टर पर 12% और कीड़े मार अदवियात पर 18% GST लगाया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपनी हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू में अपना हिस्सा कम करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल करें। इससे कबल तेमेकुरु जिले में एक जलसे आम से भी खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने बारे में बात करने के बजाय कर्नाटक के मसाइल पर बात करनी चाहिए।